हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनैन। आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सुनैन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही फ्रेंड मेरे को पूछ रहे थे कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूं, कौन सा ट्राइपॉड यूज करता हूं ब्लॉग बनाने के लिए। तो गाइस, मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूं बोया का MM1। बोया का MM1 जो मैंने लास्ट टाइम 10 डेज तक मैंने इसको यूज किया। तो इसको यूज करने के बाद इसका रिव्यू करूंगा, इसका बारे में डिटेल्स आपको दूंगा, ये कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है और इसको यूज कैसे करें। और इसको मैं आउटडोर भी इस्तेमाल करूंगा, इस वीडियो में ऐड करूंगा इसका वॉइस कैसे आता है और अभी का टाइम में यूज करके इसको वॉइस कैसे आता है इसका मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। और मेरे साथ ऐड करूंगा इसको मैंने जो मैंने ट्राइपॉड लिया था लास्ट टाइम, जो ट्राइपॉड लिया था E1 का, ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा है जो कि है, ये ब्लॉग बनाने के जो ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाता है, इधर उधर का ब्लॉग बनाता है, वो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। थोड़ा सा पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉग कैसा बनेगा। आपको अगर साउंड क्वालिटी अच्छा करना है तो माइक यूज करना पड़ेगा और ट्राईपॉड, एक अच्छा ट्राईपॉड लेना है तो ये ट्राईपॉड मेरा ख्याल से बेस्ट है, क्योंकि इसमें कैमरा भी ऐड हो सकता है, आपका GoPro भी ऐड हो सकता है। और ये जो माइक है, मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ पहले, फिर इसके बाद इसको दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि देख पा रहे हैं, इसको मैंने अनबॉक्सिंग करता हूँ। अनबॉक्सिंग में इसमें आपको मिलेगा ये बोया का जो पेपर, ये बोया का ऑल डिटेल्स इसमें आपको दिखा रहेगा, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, इसमें ऑल डिटेल्स रहता है। उसके बाद मिलता है ये कोड, ये जो है ये आपका स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन में ये वाला कोड जो है ये आप स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं। ये मिल जाता है एक छोटी सी बैग, जो बोया का तरफ से छोटी सी बैग, जो कैरी करने के लिए आपको बहुत ही आसान होगा कैरी करने के लिए ये बैग का अंदर से। और इसका अंदर से मिलता है अपना माइक, ये एक शॉटगन माइक है। ये आपको, ये जो आप पोजीशन देख पा रहे हैं, ये आपको हवा जो होता है, ये जो तेज तेज हवा का वजह से आपका जो आवाज खराब होता है, वॉइस खराब होता है, उसको रुकता है ये वाला। और ये देख पा रहे हैं, ये है अपना माइक, जो माइक है यही है। और इसमें 2-3 टाइप का आता है, एक डुप्लीकेट भी आ रहा है मार्केट में, मतलब ये ओरिजिनल पीस है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। इसका जो QR कोड है ये आप स्कैन कर लेना पड़ेगा, ये अगर स्कैन करके देख पाएंगे जो ओरिजिनल होगा तो वो QR कोड जो है इसका सही रहेगा, अगर डुप्लीकेट होगा तो QR कोड स्कैन नहीं करेगा। तो ये गाइस, इसको हम लोग ऐसे ऐड करके और क्या मिलता है देखते हैं। इसमें और मिलता है ये पोजीशन, ये जो पार्ट है ये अपना जो ट्राईपोड होगा, ट्राईपोड का इसको ऐसे इस्तेमाल करा जाता है, इसको ऐसे करके ये जो है पोजीशन, ये आपका माइक रेडी है काम करने के लिए। उसके बाद ये जो कोड है ये आपका स्मार्टफोन में, इसको ये पीछे, ये जो हिस्सा है ये माइक का पीछे का हिस्सा ऐसे ऐड करना पड़ेगा। और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा, ये आपका स्मार्टफोन में यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक स्मार्टफोन में यूज करता हूँ, जैसे देख पा रहे हैं ये जो स्मार्टफोन है इसमें आप ऐड करेंगे पीछे। और इसका जो वॉयस है, वॉयस कैसा है मैं आपको सुनाऊंगा आउटडोर में लेके जाके, अभी इधर भी थोड़ा आपको चेक करवा देता हूँ इसका वॉयस कैसा है और आउटडोर में इसका वॉयस कैसा है मैं दिखाता हूँ आप लोग को। और ये जो है MM1, ये केवल ही ब्लॉकर लोग के लिए है, क्योंकि माइक का इस्तेमाल सिर्फ ब्लॉकर लोग ही करेगा, अदर्स कोई तो नहीं करेगा। तो फिर भी फ्रेंड्स, मैं रिकवर करता हूँ ये जो माइक है, ये शॉर्ट माइक है, ये आपके लिए सही रहेगा ट्रैवलिंग ब्लॉक, जो भी ब्लॉग बनाते हैं आप भी, तो ये सही रहेगा। इसको मैंने ट्राइपॉड के साथ ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है और इसका वॉइस कैसा है, आउटडोर वॉइस कैसा है और अंदर का वॉइस कैसा है, सब शो करता हूँ फ्रेंड्स। तो गाइस, ये जो बोया MM1 माइक है ये मेरे को पड़ा है ओनली 1500 रुपया का ये पड़ा है मेरे को बिल, क्योंकि मैं मार्केट से लिया था, क्योंकि ऑनलाइन मैंने प्रोडक्ट नहीं लेता हूँ इतना जल्दी, तो मार्केट से लिया था। अभी मैंने अनबॉक्सिंग करूंगा मेरा ट्राईपॉड, ये ट्राईपॉड मैंने लिया था 1450 रुपये में। और ये जो ट्राईपॉड है ये आपको
दिखाता हूँ कैसा यूज होता है, ये माइक कैसे बैठेगा इसमें, और ये देख पा रहे हैं ये ट्राइपॉड है। अभी ये ट्राइपॉड का एक खासियत है, इसमें आप माइक भी यूज कर सकते हैं। ये ट्राइपॉड का नाम है MT11, MT11 ट्राइपॉड का नाम MT11। इसका रेट है 1400 रुपया। ये भी मैंने मार्केट से लिया था, ऑफलाइन मार्केट से लिया था, ऑनलाइन नहीं। और फ्रेंड्स इसमें इसको मैंने ऑन करता हूँ, ऐसा ऑन होता है और ये देख पा रहे ये अपना मोबाइल का जगह, इसको आप फोन ऐसे यूज कर सकते हैं। और फोन ऐसे यूज करने के बाद इसको हम लोग जो माइक खरीदा MM1 शॉर्ट माइक, उसको ऐसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए मैं इंस्टॉल करके आप लोग को दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा टाइट करेंगे और ये जो पोजीशन है ये इधर ऐसा लगेगा और इसको टाइट कर दीजिए। ये टाइट करने के बाद इस तरह का दिखता है, देखिए ऐसा दिखता है, काफी अच्छा लगता है, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। और इसको ये जो जेक है इसको इधर इंस्टॉल करो। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं ये है अपना सेटअप रेडी। ये जो सेटअप है, ये सेटअप आप देख पा रहे हैं मेरा हाथ में जो सेटअप है, ये लगभग ये हो गया 1500 रुपया, ये हो गया 1400 रुपया, तो 3000 का 2900 रुपया, 2900 रुपीज में ये रेडी तैयार। तो गाइस इसका भी माइक का वॉइस कैसा है मैं इसको आउटडोर में चेक करूंगा। अभी जो भी मैं ऐड कर रहा हूं, अभी जो वॉइस आप सुन रहे हैं ये हो गया अपना फोन का वॉइस, Redmi Note 10 Pro Max फोन का माइक का वॉइस है। अभी मैंने इसको इंस्टॉल करूंगा माइक को, और इसका वॉइस MM1 का वॉइस आपको मैं सुनाता हूं। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं ये मेरा MM1 का वॉइस है, और वॉइस कैसा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मेरा चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस कैसा लग रहा है आपका ये वॉइस MM1 का वॉइस, ये देख पा रहे हैं बाहर का नज़ारा। और गाइस ये MM1 का वॉइस कैसा है आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और आपको दिखाता हूँ ये माइक का, फोन का जो है ये वॉइस जो है Redmi Note 10 Pro Max का माइक का वॉइस है। और अभी मैं ऐड कर रहा हूँ इस माइक को MM1 का वॉइस, अभी सुन पा रहे हैं आप लोग। तो गाइस वॉइस कैसा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और गाइस मेरा चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ ये है MM1 का वॉइस, काफी अच्छा है, काफी प्रोडक्ट अच्छा है। बोया का MM1 काफी बहुत ही अच्छा है, जो ब्लोकल लोग होता है वो ब्लोकल लोग यूज कर सकते हैं, ब्लोकल लोग यूज कर सकते हैं। ये माइक जो है मतलब कम पैसे में कम बजट में जो सेटअप है, ये सेटअप बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरा जो बजट में मैंने खरीदा था इस बजट में, तो मैं रिक्वायर करता हूँ जो ये बजट में मेरे को तो अच्छा ही माइक मिला और अच्छा ट्राइपॉड मिला। तो गाइस मिलते हैं अगले और एक वीडियो में, अगली और एक जगह, नया जगह। मैं तो ट्रैवलिंग ब्लॉग करता हूँ तो नया जगह शो करता हूँ आप लोग को। मेरा चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।